लेट्स स्टार्ट विद द टास्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वी आर थ्रू अवर पुटी। अब आपने देखा कि आप यहां से भी वही चीज है और यहां पर भी वही, ठीक है ना, दोनों एंड पे सेम है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चले जी, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूँ स्विच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमांड दी कॉन्फिगर टर्मिनल, सॉरी नेबल। चले, जहां पे आप काम कर रहे हैं उसी पे मैं भी करता हूँ, ताकि कोई डिफरेंस हमें बिल्कुल फील ही ना हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं स्विच पे गया और मैंने कमांड लिखी नेबल, इंटर किया तो मैं पहुंच गया। मैं पहुंच गया प्रिविलेज मोड। मैंने यहां लिखा कॉन्फिगर टर्मिनल और मैं पहुंच गया कॉन्फिगर टर्मिनल के जरिए ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड। अब मैं इसको, आज की पहली कमांड जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका नाम है होस्ट नेम, होस्ट नेम। चलें जी, मैं आसानी के लिए कह देता हूं S1, स्विच नंबर 1, आपकी मर्जी। वापस भेज जी, आपने पूछा, बिल्कुल ठीक किया। मैं भी यहाँ पे गलत कमांड देता हूँ। मिसाल के तौर पे होस्ट, जब मैंने इसको कमांड दी तो अल्दो ने मुझे कहा कि इनकम्प्लीट कमांड। मैं इसको देता हूँ यहाँ पे एनेबल की बजाय ENBL, जिसे आपने दिया। तो देखिए, ये मुझे कह रहा है कि क्यों कह रहा है ये भी बताता हूँ, लेकिन आपने देना है ऑल्ट कंट्रोल, ऑल्ट शिफ्ट 6। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे ये माने। एनेबल को मैं एनेबल देने के बजाय ये दे देता हूँ, इंटर दिया। देखो, आपको ये आ रहा है यहाँ पे, इसने कहा ट्रांसलेटिंग दिस, लेकिन ये जल्दी बाहर आ गया। लेकिन अगर ना आता तो मैं इसको कमांड देता कंट्रोल शिफ्ट और 6, ये बनाओ तो ये आपको बाहर निकाल दे, और बिल्कुल 6 एनिया। और अगर ना भी दे तो ये आपको कुछ देर के बाद निकाल दे, ठीक, मतलब फॉरएवर नहीं। ओके, तो जेंटलमैन, अब मैं इसको दे रहा हूं, हम वापस जाते हैं होस्ट नेम और जो आपका दिल चाहे। मिसाल के तौर पे CSE कंप्यूटर, चलें जी सिस्को, सिस्को इंटर करें। तो देखें आपके स्विच का नाम क्या हो गया है, सिस्को। अब स्विच नहीं रहा, क्लियर हो गया। अब यार एक चीज और देखें, ये कहाँ पे स्टोर हुआ। लाजमी तौर पे जो मैं चेंजेस करूंगा कहीं तो सेव होंगी ना, कहीं तो पड़ी होंगी। तो ये जहां पड़ी होती हैं उसको कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जाके चेक करते हैं। आप किसको चेक करते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। किस तरह? कि इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहां से करो एग्जिट, क्योंकि शो की कमांड चलती है, शो की कमांड चलती है एग्जिट मोड में, प्रिविलेज मोड में। किस मोड में? प्रिविलेज मोड में। यहां पे मैं इसको कमांड देता हूं शो रनिंग डैश कॉन्फिग। क्या कमांड दी? शो रनिंग डैश कॉन्फिग। ये वो टेम्पररी स्टोर है जहां पे जो चेंज भी हम करता है यूजर वो डायरेक्टली इसके अंदर चली जाती है। इस स्टोर का क्या नाम है? रनिंग कॉन्फिग। क्या नाम है? रनिंग कॉन्फ़िग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें जी, मैंने रनिंग कॉन्फ़िग किया तो देखिए मुझे नजर आ रहा है कि होस्ट का नाम क्या है, सिस्को। अगर पहले देखते तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, स्विच। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना? तो और बाकी जितनी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर बता रहा है कि इसका ये इंटरफेस 1 है जो कि 0/1 है, दूसरी इंटरफेस है इथरनेट 0/2, अगली क्या है 0/3, 4, 5, 6, 13, फिर आगे 13 से आगे 14 अप टू 24, 24 के बाद ये कह रहा है कि 2 गीगाबिट पोर्ट्स भी इसके पास हैं, गीगाबिट 0/1 और गीगाबिट 0/2। और ये कह रहा है कि जनाब इसके पास लाइन कंसोल 0,
है जिसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लाइन डी टी वाई जीरो इस पर हम बात करेंगे, और यहां पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब दूसरा काम मैं ये करता हूं जेंटलमैन के, अब मैं कंसोल के जरिए इसके पास गया, स्विच के पास, दोनों एंड में मैंने कंसोल इस्तेमाल की। तो अगर इस तरह हर कोई मेरे स्विच पे आना शुरू कर दे तो आपका एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि ये तो बड़ा अनसिक्योर सी चीज है, हर एक जो मर्जी, इवन आपकी मोबाइल में भी हर कोई नहीं इंटर हो सकता, लेकिन स्विच, राउटर, फायरवॉल, इसमें तो हर कोई इंटर हो सकता है। नहीं, हमें रोकना होगा, हमें रोकना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले जिस जगह को रोकते हैं इसे कहते हैं कंसोल को रोकते हैं, लाइन कंसोल को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? लाइन कंसोल को। वेरी नाइस। इसके लिए हम दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और इंटर कर देंगे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम लिखेंगे लाइन कंसोल जीरो, लाइन कंसोल जीरो, इंटर करें तो देखिए अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन का जो आपका वो बदल गया, पहले कॉन्फ़िग था, अब क्या नजर आ रहा है? कॉन्फ़िग डैश लाइन। इसका मतलब मैं लाइन की कॉन्फ़िगरेशन, कंसोल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। किसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं? कंसोल की। क्लियर हो गया? अब क्या इसको कमांड देता हूं इस जगह पे, मैं इसको कहता हूं पासवर्ड लो जी, बगैर पासवर्ड के मैं नहीं मानता। क्या इसको कह रहा हूं? पासवर्ड लो। यहां पे मैं इसको दे देता हूं मिसाल के तौर पे पासवर्ड एहसान, जो आपका दिल चाहे। फिर हम इस पास किसी एक कोर्स में हम ये भी करेंगे कि इन पासवर्ड्स को भी किस तरह होना चाहिए, उसमें भी बात करेंगे, लेकिन अभी फॉर द सिंपलिसिटी हमने कहा एहसान इसका पासवर्ड, इंटर कर दिया। फिर ये पासवर्ड कब मांगे? कंसोल पे आप कब जाते हो? जब लॉग इन करते हो। पासवर्ड पे कब जाते हो? लॉग इन पे। कंसोल पे कब जाते हो? जब लॉग इन करते हो। इसका मतलब इसको बताओ कि ये काम मुझसे लॉग इन के टाइम पे मांगना। मैंने इसको कह दिया लॉग इन। बात समझ जी? जी ये कमांड है, पासवर्ड कमांड है, लॉग इन कमांड है, कि मैं इसको बता रहा हूँ सिस्टम को, इस स्विच को बता रहा हूं कि जनाब आपसे कोई भी आए कंसोल के जरिए उसे मत आने दो, उसे पासवर्ड पूछो, अगर पासवर्ड गलत बताए तो मत आने दो, इसके मतलब वो अनऑथराइज यूजर है। हाँ अगर वो एहसान बताए तो उसको आने दो, लेकिन ये कब आएगा? जब आप लॉगिन कंसोल पे कब जाते हो? लॉगिन के टाइम पे। इसलिए बताओ कि लॉगिन के टाइम पे ये पासवर्ड मांगना। अब मैं यहां से करता हूं जेंटलमैन एग्जिट, दोबारा कर देता हूं एग्जिट, दोबारा कर देता हूं एग्जिट, मैं निकल गया। क्या मुझे कह रहा है? क्या प्रेस करो? रिटर्न। इंटर, रिटर्न, एक ही बात, प्रेस रिटर्न टू गेट इन स्टार्टेड। नहीं जाने दे रहा। इसके मतलब आप कुछ हद तक मैंने अपने स्विच को सिक्योर किया है, कि नहीं कि हर कोई आए और कहे, हर एक को दो चार कमांडे आती होंगी, वो आके फिर जो मर्जी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा दे। नहीं, रोक दिया उसको। सिर्फ वो अब कर सकेगा जिसको ये पासवर्ड आता है। तो जेंटलमैन यहां पे अब मैं दे रहा हूं IHSAN, जिसको कहते हैं ब्लैंक पासवर्ड। ब्लैंक का मतलब नजर नहीं आ रहा है, वरना अदरवाइज पीछे खड़ा हुआ बंदा अगर लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे देख लेते, अच्छा पासवर्ड ये है, तो नजर नहीं आ रहा। इंटर किया, अब देखिए वहां पे अंदर हो गया। कहाँ पे चला गया? यूजर एग्जिट मोड में। कहाँ पे चला गया? यूजर एग्जिट मोड में। बात समझ आ रही है? अब ये मोड तो बड़ा कमजोर मोड है, अगर मैं अगले मोड में जाता हूं, एनेबल लिखता हूं, तो ये मुझे अगले में तो जाने दे दिया इसने। इसके मतलब खतरनाक जगह पे तो पासवर्ड
है ही नहीं। जहां पे प्रिविलेज है वहां तो पासवर्ड है ही नहीं, तो यहां भी पासवर्ड होना चाहिए, यहां भी पासवर्ड होना चाहिए। तो हम एक दफा फिर जाते हैं जेंटलमैन कॉन्फ़िगर टर्मिनल के पास, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के पास, और इंटर करते हैं, और यहां पे लिखते हैं एनेबल ENABLE पासवर्ड, और लेट कर यहां भी चले एहसान रख देते हैं आसानी के लिए। अब तो अच्छी बात नहीं है कि एक ही पासवर्ड हर जगह पे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहां तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नॉट बैड। एनेबल पासवर्ड एहसान, एंटर कर देते हैं। यहां से मैं एग्जिट करता हूं, फिर एग्जिट करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जी। तो मैंने एग्जिट किया, अब मुझे तो अंदर नहीं आने दे रहा कंसोल के जरिए, यानी कि यूजर एग्जिट मोड में आने नहीं दे रहा। तो क्या करूं सवेरा? पासवर्ड दो। पासवर्ड क्या है? IHSAN। मैं यहां पहुंच गया। अब यहां से आगे किस मोड में जाना है? प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड के लिए यहां क्या लिखूंगा? एनेबल, एनेबल, इंटर करते हैं। चलो जी, अगर आपने, आप लोग भी कर रहे हो, कोई कर रहा है मेरे साथ साथ, शाबाश। तो अब्बास अगर करते हो तो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहे हैं आपको, क्या कह रहा है? नहीं, आपने गलत दिया है, आपने एनेबल नहीं लिखा। देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं, चेक करें, ये देखें मैंने एनेबल लिखा, नहीं जाने दे रहा मुझे, एनेबल में जाने नहीं दे रहा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? जी, इसका एक तरीका ये है कि आप Alt सॉरी कंट्रोल शिफ्ट 6 को प्रेस करें, आप इससे निकल आएंगे। और दूसरा मेथड अभी बताता हूं, यही है ना, Alt कंट्रोल शिफ्ट 6, Alt Alt शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट 6। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट, चैट कहती है जी, बिल्कुल यस, अच्छी बात है जी कि यस। तो पासवर्ड मांग रहा है, क्या मांग रहा है? पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड एक दफा फिर एहसान दिया, मैंने, नजर नहीं आ रहा आपको, इंटर किया तो मैं अंदर चला गया, किसमें? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये तो प्रिविलेज मोड है। हैश का मतलब है प्रिविलेज मोड, एनेबल मोड। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक उसी कमांड को दोबारा देता हूं और फिर आपके मसले का हल अब्बास करता हूं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, चेक करो, बता रहा है कि जनाब आपने होस्ट आपका ये है सिस्को। आप भी कह रहे हैं हाँ, मेरा, मेरे कंप्यूटर का नाम, मेरे स्विच का नाम सिस्को है, लेकिन कह रहा है कि जनाब आपने पासवर्ड लगाया हुआ है इसके एनेबल के ऊपर, और पासवर्ड क्या आपने रखा है? एहसान। इसके अलावा अगर मैं इंटर प्रेस करूं, ये मोर मोर के लिए, क्योंकि और चीजें भी हैं, ये कहता है आपने कंसोल में भी पासवर्ड लगाया हुआ है, क्या सच है या झूठ है? कंसोल में पासवर्ड लगाया आपने? यस, नजर आ रहा है यहां कि आपने एक पासवर्ड लगाया हुआ है कंसोल के ऊपर, जो कि एहसान। और ये पासवर्ड कब पूछा जाएगा? लॉग इन के टाइम पे। इसका मतलब जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूं वो इस टेम्पररी स्टोर के अंदर, लेकिन मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं टेम्पररी, इसलिए इसको कहते हैं एन रैम, सॉरी वर्चुअल रैम, इसको क्या कहते हैं? रैम, ठीक है, इसको कहते हैं रैम। इट इज लाइक के, इट इज जैसे रैम होता है, आप कंप्यूटर बंद करते हैं सब कुछ गया, अगर मैं अभी इस स्विच को बंद कर दूं, मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म। वो जब आप वो आपने जब प्रोग्रामिंग में काम करना शुरू किया, फिर हम आपको बताएंगे कि जब आप लगभग, इसके पीछे को प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम लिखते वक्त तीन तरीके होते हैं। जब आप पासवर्ड बनाते हो, एक होता है कि नजर आए, जब टक टक करो नजर आए, एक वो तरीका होता है। दूसरा, नजर ना आए, डॉट्स नजर आए, ये भी आपने देखा होगा कई जगहों पे, आप जब इंटर करते हैं
तो आप तो अपना पासवर्ड लिख रहे होते हैं, वहां पे डॉट्स नजर आ रहे होते हैं। तीसरा होता है नजर ही ना आए। तो जिसने ये कोड बनाया, इसकी विशेष जो प्रोग्रामिंग की, वो ये मेथड है। तो इसने यहाँ पे जो अपनाया है वो ये है कि नजर ही ना आए, पता ही नहीं चले कि आप इंटर कर रहे हो, क्योंकि उससे अंदाजा हो जाता है, क्योंकि सिस्को तो बहुत सिक्योर है, तो जब डॉट भी होते हैं तो पता चल जाता है कि 5 डिजिट्स हैं, 6 हैं, अगला 5-6 डिजिट की ब्रूट फोर्स अटैक जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको तो नजर ही नहीं आ रहा कि मैंने 5 दिए कि 15 दिए, तो आपका सिस्टम ज्यादा सिक्योर हो जाता है। समझ आ गए? ओके। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये टेम्पररी है, तो मैंने तो पूरी रात लगा के स्विच को कॉन्फ़िगर किया, कल वापस की बिजली चली गई तो मेरा स्विच तो फिर नया हो जाएगा। क्योंकि ये मेमोरी तो जहां स्टोर या मेमोरी जो भी आप कह रहे हो, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं टेम्पररी है, जब तक बिजली है ऑन है ये इसमें है, लेकिन जो ही बिजली गई या मैंने इसको इंटेंशनली ऑफ किया, यानी कल मैं अपने किसी जूनियर को कहूं कि कुछ गुस्सा करूं क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, कह सकता हूं कुछ काम, तो कह खा तंगे में आके टक करके और कह जी सर ध्यान ध्यान स्टार्ट होगा ना जी, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि मुझे, और मुझे क्या पता कि मैंने लागू तो स्विच के ऊपर, राउटर्स के ऊपर, फायरवॉल्स के ऊपर अब वक्तन फवक्तन चेंजेस करते रहते हैं, तो मुझे क्या याद के फाइनल के उसकी क्या हालत थी, ऐसा ही है ना। तो जेंटलमैन आपके लिए जरूरी है कि आप एक परमानेंट स्टोर के अंदर इसको सेव करें। इस परमानेंट स्टोर का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छी बात तो ये थी कि शुरू में हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट आए, लेकिन अब समझ नहीं आई कि क्यों, नमाज के बाद उनको पढ़ने की आदत नहीं है शायद, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वी हैव ओनली अबू जर, सवेरा, जहूर, जरवा एंड जुहेब। तो चले आपकी मर्जी, हम कुछ कह नहीं सकते। तो जेंटलमैन, हम इसके दूसरा मेमोरी आपको बताता हूं जिसको कहते हैं शो। शो तो दिखाने के लिए ना, उसका क्या नाम है? स्टार्टअप कॉन्फिग। दूसरे का क्या नाम है? स्टार्टअप कॉन्फिग, STARTUP-config। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है STARTUP-config, STARTUP-config। ठीक है, इंटर करता हूं, क्या कहता है? स्टार्टअप कॉन्फिग इज नॉट प्रेजेंट, मैंने कुछ उसमें रखा ही नहीं। मिसाल तौर पर कोई फोल्डर है, मैंने फोल्डर क्रिएट ही नहीं किया और मैं कहता हूं इसमें फाइल को सेव करो, तो है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? दो तरीके, कमांड, असल कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग। क्या कमांड है? कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस, कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग। क्यों समी? ऐसा ही है, बिल्कुल जी ठीक है, ये मैंने इंटर कर दिया। कहते किस नाम से सेव करूं? ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा, क्या इसका नाम स्टार्टअप ही रहने दूं या आप बदलना चाहते हैं? डिफॉल्ट नेम उसने दे दिया तो बेहतर है कि डिफॉल्ट के साथ ही, क्योंकि उसी नाम से वो उसको पुकारेगा बाद में। मैं कहता हूं जी बस ये नाम मेरे लिए काफी है, उसने मुझे क्या बता दिया? कहता है कि जो आपकी स्टार्टअप में था, सॉरी जो आपकी रनिंग में था, ओके वो मैंने डाल दिया। कहां पे? स्टार्टअप में, वो मैंने डाल दिया स्टार्टअप। अब चेक करते हैं कोई स्टार्टअप है भी कि नहीं, हम कोई झूठ ना बोल रहे हो।
फिर कमांड देते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फिग, क्या कमांड देते हैं, शो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग, शो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग। जेंटलमैन मैं इंटर करता हूं, हाँ जी अब तो नजर आ रहा है, अब तो है, पहले कहता था कि नहीं है, अब कहता है कि है, और वही सब कुछ जो रनिंग कॉन्फिग में था वो यहां पे परमानेंट स्टोर के अंदर स्टोर हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं, आप इसमें पासवर्ड आपको ये भी नजर आ रहा है कि आपका एक इस होस्ट का नाम क्या है, जो जो हमने किया सिस्को बता रहा है कि इसके एनेबल के ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ है जिसका नाम, जिसको पासवर्ड क्या है, एहसान। ये भी बता रहा है कि इसके कंसोल के ऊपर भी एक पासवर्ड लगा हुआ है जो कि एहसान है, और ये पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे पूछा जाएगा, गुड इनफ, क्लियर है, नहीं है तो बात करो, क्या करना है, स्टार्टअप को बस ये सेफ हो गई, अगर ये स्विच में मैं इसको सेव कर लूं कल तो क्या एक हफ्ते के बाद महीने के बाद भी ऑन करूं, जैसे कल आप क्लास में थे, कल थे नहीं थे, कल हमने इस स्विच को ऑन इसको लगाया था, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से जो मौजूद थी, मिसाल के मुझे पासवर्ड मांगता था तो वो तो इसमें हो सकता है कि 10 साल पहले किसी ने सेव किया था, तो ये जब हमने स्टार्टअप में डाल दिया इसका मतलब है कि वो इसकी परमानेंट मेमोरी जिसको कहते हैं एनवी रैम, क्या कहते हैं, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, शाबाश, नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, जो परमानेंट हो, जो वोलेटाइल ना हो, ठीक है ना, अगर आप पेट्रोल को खुला छोड़ दो वोलेटाइल है उड़ जाएगा, लेकिन अगर पानी है मिसाल के तौर पे तो नॉन वोलेटाइल है नहीं उड़ेगा, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है ये परमानेंट है, तो स्टार्टअप नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है, ओके ओके। आप पूछ रहे हैं कि अगर मैं कोई नेटवर्क बना लूं, अभी तो हमने सिर्फ एक स्विच पे काम कर रहे हैं, तो हम उसको सेफ मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मैं कल आल दो, वो इस वक्त थोड़ा सा जल्दी है लेकिन कोई बात नहीं, मिसाल के तौर पे ये देखें जेंटलमैन, मैंने यहां पे ये मैंने इसी पैकेट ट्रेसर के अंदर एक फाइल बनाई और यहां पे मैंने उसको .p के नाम से सेव कर लिया, जहां मर्जी आप इसको जब भी दिल चाहे, चाहे एक साल के बाद आप इसको खोल सकते हो, आप इसको रीड यूज कर सकते हो, आप उसमें और तब्दीलियां कर सकते हो, तो ये मिसाल के तौर पे जैसे आज मैंने जो स्टूडेंट्स को आपके आपसे पहले पढ़ाया और उनको मैंने देखिए ये फाइल पहले से बनी हुई फाइल उनकी तरफ मैंने भेजी और कहा कि जी कॉन्फ़िगर द वायरलेस नेटवर्क, ऑल ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू लर्न एंड परफॉर्म दिस टास्क, तो वो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह हम कोई काम करके सेव कर सकते हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं, समझ आ गई बस, क्लियर है, एनी अदर, जी एनी अदर क्वेश्चन, आगे आए क्या नहीं हो रहा है चेक करें, जी आगे आपको हेल्प आउट करने के लिए, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कोई क्वेश्चन, वी हैव अबू जर, सवेरा, जहूर, जरवा एंड जुहेब, कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से, जी तो आई हैव सम फ्रॉम चैट एंड एवरीवन इज सेइंग नो, सो गुड, रिजॉल्व हो गया, गुड,
अच्छा जी, अब आते हैं अगले काम की तरफ, अब आते हैं अगले काम की तरफ, सॉरी, कि अगर ये आपने देखा कि जरा, अब हम ये करते हैं, आपने भी देखा कि हो सकता है कि किसी को मेरा डिप्टी, मैं किसी को पासवर्ड क्रिएट किए, वो तो नजर आ रहे हैं, तो फिर तो कोई इतना मजा नहीं आया, क्यों समी? पासवर्ड तो है, अच्छी बात है कि ले मैन एंटर नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरा और स्टाफ को भी अगर इस स्विच पे एक्सेस है, तो जितने भी यूजर हैं उन सबके पासवर्ड्स, यूजर नेम पासवर्ड वो देख सकेगा, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, सिस्टम अनसिक्योर हो गया, फिर भी हो गया ना। तो जेंटलमैन इसके लिए क्या करते हैं, हम दोबारा लिखते हैं, हम किस मोड में हैं सुकर? प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज से जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, किस मोड में चले गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और कमांड देते हैं सर्विस पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन। क्या पासवर्ड, क्या कमांड दे रहे हैं? सर्विस पासवर्ड स्पेस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन। फ्रेंड के पास थी, मुझे नहीं पता, मैंने उसको कहा था कि उसको तो पता ही नहीं था कि किसकी है। क्या कमांड दी है? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इंटर करते हैं जी, हो गया इंटर। अब देखें जी, पहले हम चेक करते हैं, अगेन यहां से एग्जिट करते हैं, लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग, इंटर किया, कहता है कि पासवर्ड ये है, क्या यही पासवर्ड है? यही पासवर्ड हमें दिया था? नहीं, यहाँ तो एहसान था, लेकिन यहाँ देखने वाले को एहसान को सिर्फ पता है कि पासवर्ड मेरा एहसान है, लेकिन यहाँ पे तो उसका पासवर्ड है, जो कोई और चेक करता है उसको तो नजर आ रहा है 08284545D0817, और अगर ये पासवर्ड दोगे तो ये काम, क्योंकि तो पासवर्ड है ही नहीं, तो क्या कर दिया गया, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया गया। अब अगर ये कोई देख भी ले तो कोई फर्क न पड़ेगा जी, फर्क नहीं पड़ रहा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, नीचे दूसरा पासवर्ड है उसको भी देखते हैं, वहां पे भी ये कुछ लिखा हुआ है। तो अब जितने भी पासवर्ड इसके बाद बनेंगे वो सारे के सारे इंक्रिप्टेड होंगे, वो सारे के सारे इंक्रिप्टेड होंगे। तो फायदा क्या कि अगर किसी को ये फाइल मिल भी जाए या वो इसको खोल भी ले, तो कुछ खास मुझे नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं होगा। पास हाँ, देयर इज समथिंग इन चैट। फिर अब्बास के सवाल का जवाब देते हैं, पासवर्ड के पी कैपिटल है? नहीं, स्मॉल है। सवेरा का क्वेश्चन है कि पासवर्ड में जिसने उसने लिखा है पी बड़ा है? मैंने कहा नहीं, पी छोटा है। यहां भी देख सकती हो पासवर्ड के लिए क्या लिखा हुआ है, PASS, यही कमांड जो मैंने वहां दी है, PASSWORD पासवर्ड। अब आपके सवाल का जवाब, अगर पासवर्ड भूल जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो फिर वो तो कर सकता है कि इस पासवर्ड को खत्म करे और दोबारा क्रिएट कर ले, लेकिन अगर सिस्टम बंद हो जाए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी अंदर नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे चलें, आपके सवाल के जवाब में हम ये काम कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ये हुआ कि जी उसको पासवर्ड भूल गए थे, व्हाटएवर, मैं और सिस्को की सबसे अच्छी बात यह है, सिस्को की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक काम करने का कमांड आपको आती है
तो उसका उल्टा करने का काम तरीका बहुत ही आसान है। क्या है? पीछे नो लगा दो। मिसाल के तौर पे अभी आपने लगाया था सर्वर्स पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये किया था ना, करते हैं जी इसको दोबारा। मैं कमांड देता हूं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दे दिए, वापस यहां चला गया, कहता हूं नो सर्विस, नो सर्विस इंक्रिप्शन, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, एंटर करते हैं जी, कर दिए। एग्जिट करता हूं जी यहां से, चेक करता हूं कि क्या हालात हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग, चेक कर लो। इस चीज को इसने नहीं माना, मानना चाहिए था, लेकिन अगर ये हुआ हुआ है, आसान कर लेते हैं हम, इसको देते हैं कॉन्फ टर्मिनल दोबारा। आपको कंसोल का पार्ट भूला है? कोई भी सारा वो करते हैं। लाइन, हमने कमांड दी थी लाइन कंसोल जीरो, ये दी थी ना, सॉरी जीरो की जगह मैंने ओ लिख दिया, लाइन कंसोल जीरो नो पासवर्ड, लिखा था ना पासवर्ड एहसान, ये लिखा था ना नो पासवर्ड, कर दिया। ओके, अब यहां से एग्जिट करो, अब यहां से एग्जिट करो, अब यहां से एग्जिट करो, यहां पे आ गया। पहले यहां रिटर्न करूं तो क्या मांगता था? पासवर्ड, अब तो नहीं मांग रहा, अब तो नहीं मांग रहा है ना। अब आप दोबारा लगा लो एहसान की बजाय, मिसाल के तौर पे आप सिस्को कर लो, जो करते हो कर लो। अब दूसरा भी उड़ाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद था एनेबल, क्या था एनेबल, इंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हटाया नहीं था, तो अब पासवर्ड तो देना पड़ेगा। तो देखें जी, मैंने इसको पासवर्ड दिया, सॉरी पासवर्ड दिया IHSAN, आ गया। दोबारा जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के पास, और इसको आप कहता हूं एनेबल, नो एनेबल, नो एनेबल पासवर्ड, इंटर किया, हो गया। और सिस्को की और लिनक्स की अच्छी बात यह है कि गलती हो जाए तो बता देता है, और गलती ना हो तो शाबाश नहीं देता, यानी कमांड सक्सेसफुल हो जाए तो आपको नहीं ये कहेगा वेल डन, देखा ना कमांड चल गई ठीक है, समझ जाओ कि मेरा काम हो गया है। हाँ, अगर आपने गलत कमांड दी तो वहां आपको कहेगा ये कमांड नहीं है जी, समझ आ गए। तो जेंटलमैन, मैंने इसको दिया नो कमांड, नो अनेबल पासवर्ड, ये दिया ना। अब चेक करते हैं, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं, यहां पे आ गया, कोई पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि आपने पासवर्ड उड़ा दिया था, आपकी गलती है, आप दोबारा अनेबल लिखिए। अब यहां भी नहीं मांग रहा, उड़ा दिया था आपने, गलती आपकी है, बास की है, सिस्टम की नहीं है, क्यों समी, समझ आ गया। तो उसको कर भी सकते हो, उसको रिवर्स भी कर सकते हो, कोई मसला निश्ता। चैट में क्वेश्चन है और यहां तो कोई नहीं, जरवा, जरवा मलिक कहती हैं सर व्हाई वी यूज सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये जरवा का है कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हो ये कमांड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जवाब ये है जरवा, क्योंकि स्टोर के अंदर स्टोर हो रहा है, अच्छी बात, स्टोर के अंदर स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने स्टोर मेरा खोल के देख लिया तो उसको तो सारे पासवर्ड पता चल जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड यहीं पे है। अभी आप देखेंगे या मिसाल तो मैं, मेरी कंपनी में 10 यूजर हैं, हर एक ने काम करना है, मुझे उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, तो एक बंदे ने जाके सारों के पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड सीख लिए
फिर वो कभी भी अपने पासवर्ड से इंटर नहीं होगा, वो अपने दोस्त के पासवर्ड से इंटर होगा, जो चाहे करे करे और कहेगा दाहोदे कड़ी दी माहोने दी कड़े क्यों जरवा, ऐसे ही होगा ना। मिसाल तो बास है, उसने देख लिया कि समी का पासवर्ड क्या है, तो कभी अपने पासवर्ड से लॉग इन करेगा नहीं, वो समी के पासवर्ड से लॉग इन करेगा, जो गलत काम है करेगा, और सिस्टम क्या कहेगा किसने किया है, समी ने किया है। गरीब समी को पता भी नहीं होगा, उस दिन अस्पताल में लेटा होगा, लेकिन सिस्टम कहेगा कि ये समी ने किया है। इसलिए जरूरी है कि जो भी ये पासवर्ड्स हैं वो इस स्टोर में इनक्रिप्टेड लिखे जाएं। अब बात समझ आई, क्या लिखे जाएं जरवा, इनक्रिप्टेड लिखे जाएं, ताकि अगर कोई और पढ़ने की कोशिश भी करे तो ना पढ़ सके। बात समझ आ गई। अब क्योंकि ये अब जो चेंज भी कर रहे हो वो चेंज स्टोर हो रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, तो आपके परमानेंट मेमोरी में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। चेक कर लो, अभी देख लो। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे करता हूं शो रनिंग, शो रनिंग कॉन्फ़िग, इंटर करता हूं तो देखिए कोई पासवर्ड नजर नहीं आ रहा, ना कोई नेबल पे पासवर्ड है, इवन अब पासवर्ड में इंक्रिप्शन भी नहीं होगी। पास सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन के साथ भी क्या आ रहा है, नो कोई पासवर्ड इंक्रिप्शन, पासवर्ड बनाओगे यहां नजर आएगा। इसी तरह नीचे जाके कंसोल में देखो कोई पासवर्ड नहीं है, VTY अभी हमने किया नहीं, VTY में भी कोई पासवर्ड नहीं है। लेकिन जेंटलमैन जेंटलमैन यहां पे करके देखो, शो रनिंग के बाद शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, वहां पे पासवर्ड है, वहां पे पासवर्ड, लेकिन इंक्रिप्शन खत्म कर दी थी आपने, कर दी थी ना, इसलिए नजर आना शुरू हो गया है पासवर्ड, नजर आना, देखें पासवर्ड मौजूद है, नजर भी आ रहा है। तो अब दो बातें, या तो स्टार्टअप को वापस ले आओ एक तरीका, या कंप्यूटर को रिबूट कर लो, इसको रिबूट कर लो। तो रिबूट क्योंकि रैम तो खत्म हो जाएगी, टेम्पररी मेमोरी तो खत्म हो जाएगी, स्टार्टअप खुद ही सब कुछ दोबारा वापस आपके रैम में डाल देगा और सारे पासवर्ड दोबारा से बहाल हो जाएंगे। बात समझ आई, क्लियर? लेकिन अगर आप बंद करना अच्छा नहीं समझते, अगर आप बंद करना अच्छा नहीं समझते, जो कि नॉर्मली नेटवर्क को कभी भी एक मिनट के लिए भी बंद करना अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि ये बूट होगा, आपके जितने भी यूजर्स हैं जो कनेक्टेड है वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, जो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं कनेक्ट हो सकेंगे। तो अच्छा तरीका ये है कि आप कॉपी करें अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, किसमें, रनिंग कॉन्फ़िग में कॉपी करें अपनी स्टार्टअप को रनिंग में, इंटर कर दें, कहते इसी नाम से करूं मजे।